हेलो दोस्तों, नमस्कार। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023 से 24। जो भी विद्यार्थी 9th क्लास में हैं, इसी तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में रहेंगे। जब भी आपका हाफ ईयरली एग्जाम यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा 9th क्लास का होगा, यहाँ पर साइंस का है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वायरल पेपर है, यहाँ पर चलिए हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। आप लोग जो भी विद्यार्थी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो पहले हमसे बता दीजिए आप लोग कमेंट करके, और वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए, दिया गया पहला नंबर क्वेश्चन कि न्यूटन की एसआई मात्रक, न्यूटन का किसका ऐसे मात्रक होता है, ठीक है। मतलब न्यूटन किसका ऐसे मात्रक होता है, बल का होता है, विस्थापन का होता है, या फिर वेग का, या फिर त्वरण का। तो देखो पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। न्यूटन जो होता है वो बल का ऐसे मात्रक होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। दो नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो देखो किसी पिंड के द्रव्यमान का द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। ऑप्शन बी होगा, दो का बी होगा। चलो तीन नंबर क्वेश्चन दिया गया है, न्यूटन के गति के कितने नियम हैं। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं, तो तीन का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, तीन है, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोग अपना बता दीजिएगा कि कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सभी विद्यालय में एक ही जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है क्वेश्चन सेट कर रहा है। देखो इसमें आप लोगों को उपस्थिति करना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है हाफ अर्धवार्षिक परीक्षा में, ठीक है। तो इसमें आप लोग का मतलब जो होता है एबसेंट नहीं होना है, और आप लोगों को अच्छे से जाकर एग्जाम देना है। क्योंकि आप लोग इसमें फेल कर जाओगे तो अगला परीक्षा में आपको सम्मिलित नहीं किया जाएगा, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। चलो यहाँ पर देखो फोर नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक बल बराबर क्या होता है। तो बल बराबर याद रखना है होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी ऑप्शन बी में दिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि संवेग पी बराबर क्या होता है। तो संवेग पी बराबर होता है एम भी होता है, यानी कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया कि निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है। तो देखो यहाँ पर सदिश राशि पूछा जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि ताप एक अदिश है, चाल भी अदिश है, गति भी अदिश है, लेकिन विस्थापन जो है एक सदिश राशि है, तो हमारा ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दिया गया कि बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से होता है, एंड जो बंदूक का त्वरण होता है, ठीक है, गोली के त्वरण से बहुत कम होता है, बहुत, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि काफ़ी कम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में हम लोग चलेंगे। यहाँ पर एट नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक कण एक बिंदु से चलकर पुनः उसी बिंदु पर आपस लौटता है, तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, दूरी समय, विस्थापन शून्य दिया गया, औसत चाल शून्य दिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका एट का बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी होगा, विस्थापन शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता क्या कहलाती है। तो नाइन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्वरण कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आप लोग को बता दूं, यहाँ पर देखिए आपका जो टाइम समय रहेगा 2 घंटा 45 मिनट का रहेगा, और 80 साइंस में 80 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से इसको देख लीजिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि नाव से कूदना गति के किस नियम का उदाहरण है। नाव से कूदना गति के किस नियम का उदाहरण है, तो तृतीय गति का नियम है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दाब पी बराबर, हम लोग अभी अभी पढ़े कि संवेग पी बराबर क्या होता है, तो एम भी होता है, लेकिन यहीं पर दाब पी बराबर क्या होगा, 11 नंबर प्रश्न है, तो होता है एफ बाई ए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दिया गया सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि सर्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, यानी जो सर्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है उसका जी का ए से मात्र पूछा जा रहा है कि क्या होता है, तो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। कौन ऐसे वैज्ञानिक जो थे वो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, तो है न्यूटन, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो देखो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीटीओ का क्वेश्चन पेपर है, आप लोग के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है कि वायुमंडलीय दाब किसे मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, तो इसका करेक्ट जवाब होगा 15 का ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर से। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है कि सर्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान क्या होता है। तो देखिए सर्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि वाष्पीकरण की गति निर्भर करती है। तो वाष्पीकरण की जो गति है वो निर्भर करती है, तो 17 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तापमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गर्म करने पर गैस का आयतन होता है, तो इसका सही जवाब याद रख लेना हो जाएगा, बढ़ जाता है, गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखिए, दिया गया है कि साथ साथ रहने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो साथ साथ रहने की जो प्रवृत्ति होती है वो सबसे अधिक किस में होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैसों के कणों में, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है कहा जाता है।
तो इसका सही जवाब याद रखिए द्रव्यमान कहा जाता है। बी इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि पदार्थ का पांचवा अवस्था क्या होता है, तो पदार्थ का पांचवा अवस्था प्लाज्मा कहा जाता है, ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि पदार्थ के किस गुण के कारण फूलों की सुगंध हम तक पहुंचती है, तो जो फूलों की सुगंध होती है वो हम तक पहुंचती है किसके कारण, तो इसका याद रखिएगा वो हो जाता है विसरण के कारण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि अमोनिया यानी कि NH3 में नाइट्रोजन की संयोगता है, तो नाइट्रोजन की संयोगता है क्या होगा, तो हो जाएगी नाइट्रोजन की 3 संयोगता, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ़ का गलनांक होता है 273.16 किलोरी, ऑप्शन बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शुष्क बर्फ कहलाता है, तो शुष्क बर्फ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, हाँ ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन दिया कि कौन धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो चलिए इसका बिल्कुल सही जवाब बताना आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तो हो जाएगा HG यानी कि पारा जो होता है वो एक द्रव अवस्था में पाया जाता है, एक प्रकार का ये धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए 27 नंबर प्रश्न दिया गया यहाँ पर कि मोमबत्ती का जलना उदाहरण है, तो मोमबत्ती का जलना उदाहरण है, तो इसका सही जवाब होता है रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा किसके मिश्रण को अलग किया जाता है, तो देखिए इसका सही जवाब याद रखना कि बिलियन से अलग किया जाता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिंडल का प्रभाव दिखलाता है, तो टिंडल का प्रभाव जो होता है ना स्टार्च का बिलियन दिखलाता है, ऑप्शन बी होगा, 29 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि ब्रोमीन कमरे के ताप पर रहता है, तो ब्रोमीन पारा की तरह होता है, ठीक है, लेकिन पारा जो है वो धातु होता है और ब्रोमीन जो होता है अधातु होता है, ये भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन बी होगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निलंबन किस प्रकार का मिश्रण है, तो निलंबन जो है ना वो एक विषमांगी मिश्रण है, क्या है, तो विषमांगी मिश्रण यानी कि ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि वायु में नाइट्रोजन की मात्रा है, तो वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो इसका सही जवाब होगा 78%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोशिका जीवन की आधारभूत क्या है, देखिए कोशिका जीवन की एक आधारभूत इकाई है यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन सी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है, कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस पूछा जा रहा है आप लोगों से, तो बताइए आप लोग किसे कहा जाता है। ए में दिया गया कि केंद्रक, बी में दिया गया यहाँ पर कि क्रोमोसोम, सी में माइटोकांड्रिया और डी में दिया गया कि लाइसोसोम, तो बिल्कुल सही जवाब होगा माइटोकांड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या 46 यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया गया है कि कोशिका भित्ति बना होता है, तो कोशिका भित्ति जो होता है ना वो बना होता है सेलुलोज से, ऑप्शन डी होगा। 38 का देखिए, दिया गया है कि ऊतकों का अध्ययन कहलाता है, तो देखो ऊतकों का जो अध्ययन होता है ना ये कहलाता है हिस्टोलॉजी, यानी कि ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 39 नंबर क्वेश्चन कि तंत्रिका ऊतक की इकाई को कहते हैं, तो देखो तंत्रिका ऊतक की इकाई को हम लोग सिंपली से न्यूरॉन कहते हैं, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 40 नंबर, मृदु ऊतक किस प्रकार का ऊतक है, तो मृदु ऊतक जो होता है वो सरल ऊतक होता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो रक्त जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो रक्त 2 प्रकार के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी हड्डियों के जुड़ने का कार्य को करते हैं, चलिए इसका राइट आंसर बताओ 42 का क्या होगा, तो हो जाएगा लीगामेंट कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा किरुलस लिनियस को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया गया कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई पूछा जा रहा है, तो सही करेक्ट जवाब हो जाएगा जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनांग पद्धति के अंतर्गत जीव का पहला नाम किस समूह को दिखलाता है, तो 45 का करेक्ट जवाब होगा जीन को दिखलाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर और 46 देखा कि वर्गीकरण का पंच जगत पद्धति किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है, चलिए इसका राइट आंसर बताएंगे, हो जाएगा लिनियस, ऑप्शन ए होगा 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, इसका आंसर बताओगे, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, तो 47 का करेक्ट जवाब हो जाएगा बाबू बायोफाइटा, हाँ ऑप्शन ए होगा 47 का।
चलो 48 नंबर क्वेश्चन एक दिया गया, यहाँ पर देखोगे दिया गया कि एक बीजपत्री का उदाहरण है, एक बीजपत्री का उदाहरण क्या है, तो 48 का सही जवाब हो जाएगा धान, यानी कि ऑप्शन ए। देखो बाबू यहाँ पर जो है ना साइंस में नाइन्थ क्लास तो उनका 48 प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव का, तो हमने पूरा ऑब्जेक्टिव का बता दिया क्वेश्चन। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग इस तरह से हेल्प हम कराते रहेंगे इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर आप लोग को जुड़ जाना है, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप लोगों को कॉन्टैक्ट करके, कॉन्टैक्ट नहीं आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं वहाँ पर लिंक दूंगा, तो वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग यहाँ इस नंबर को नोट कर लीजिएगा, इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको जुड़ दूंगा, 62070 32720, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।